हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज का जो वीडियो है उसमें हम कोरियन रामन की बहुत सारी वैरायटीज़ में से, बहुत सारे ब्रांड्स में से आज हम एक नया ब्रांड ट्राई करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज एक नया ब्रांड ट्राई करना ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि ओके, इस लेन से हट के अब हम दूसरे लेन में शिफ्ट हो रहे हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके का होगा। सो, पहले आपको दिखाती हूँ है क्या। ओ तो जी, जिन रामन, एंड इसका हम ट्राई कर रहे हैं स्पाइसी वर्जन। तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसा होगा। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज अब तक मैंने जो दो रामेन के ब्रांड ट्राई कर रखे हैं, नोंगशिम और सैमयांग, ये दोनों मतलब अलग ही तरीके से अपने डिफ्रेंशिएटेड हैं अलग अलग तरीके से, एंड ये एक नया ब्रांड है, तो इसको आई एम सुपर एक्साइटेड कि ट्राई करेंगे कि कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। सो लेट्स गो। तो फाइनली रेडी है हमारा जिन रामेन, एंड सच बताऊँ ये ना मतलब खुशबू से तो एकदम नोंगशिम वाली फील दे रहा है, एंड ये मेरा पतीला इतना भारी है कि मेरे को नीचे एक बेस रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ वेरी हैवी। तो अब हम इसको खा के देखते हैं कैसा है। दिस इज़ नूडल सूप एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस। चलो खाते हैं। वेरी च्यूई एंड सॉफ्ट टेक्सचर एंड वेरी स्मूथ। इसमें लिखा था स्पाइसी, बट ये स्पाइसी बेस्ड तो नहीं है, मतलब नॉर्मल माइल्ड है। एंड पी के देखते हैं इसका ग्रोथ। ओके, सो लिटिल बिट स्पाइसी और क्या बोलते हैं, प्रॉपर जो एकदम जो स्पाइस लेवल है ज़्यादा नहीं है बट अप्रोप्रिएट है, मतलब आपको फिर से मन कर जाएगा खाने का ऐसा वाला। ओह, आई लव दी स्ट्रैंड्स का जो सिस्टम होता है ना, मुझे बड़ा मस्त लगता है। बस ये अलग बात है, ये चम्मच में फिट नहीं आ रहा अच्छी तरीके से। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नूडल को इसके सूप के साथ खा के देखूँ कैसा है। काइंड ऑफ लिटिल रेप्लिकेटेड टू नोंगशिम का नूडल सूप, लिटिल माइल्ड, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अगर ये स्पाइसी जैसे इसमें लिखा था तो इसका माइल्ड क्या होगा। जितने भी स्पाइसी लवर्स हैं वो लोग ये स्पाइस बेस में लेना ज़्यादा बेटर है। वन टाइम तो नहीं, मतलब हाँ इसको मैं बहुत बार ट्राई करना चाहूँगी। इसमें सब कुछ ना एकदम, जैसे मैं सच बता रही हूँ, ये ऐसे नोंगशिम का भाई लग रहा है नूडल सूप का, बस छोटा भाई लग रहा है। एंड मतलब छोटा भाई भी नहीं, मैं बोलूँगी 10-15% की ही बस वो है, व्हाट यू से डिफरेंस है, बाकी एकदम वैसा ही है। इसकी खुशबू जब पक रहा था ना तब भी एकदम वैसी ही खुशबू आ रही थी, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम ऐसे वो गार्लिक की खुशबू आ रही थी, जबकि जो फ्लेवर बेस में इतना गार्लिक लग नहीं रहा है, स्पाइसी लग रहा है हल्का सा, मतलब ऐसे उनके अंदर में ऐसा होता है ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन टाइप का फील, वैसा वाला आ रहा है। ये कुछ वेजिटेबल है, वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी नाइस क्वालिटी। मतलब इसको आप अपना गो टू रामेन बना सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बेस में नहीं खाना, एकदम नॉर्मल सा खाना है तो ये ओहो मस्त एकदम। अब मैं जैसे इतनी बार खा लिया, 3-4 बार 5-6 बार जितना भी खाया, तो पता चल रहा है कि इसके अंदर में ना थोड़ा जो स्पाइस है बट मीठापन बाद में हल्का हल्का आ रहा है,
जो नौशम वाले में नहीं आता, दो मुझे कंपैरिजन बेस नहीं करना चाहिए बट मैंने इसको नौशम का छोटा भाई कह दिया तो उस बेस में मैं थोड़ा बता रही हूँ। बट हाँ, इंडिविजुअली ये अच्छा है, ट्राई करने लायक है, ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड क्या खा लिया, ये अच्छा। दिस इज़ लाइक अगर मुझे मेरे को जाके रामेन खरीदना होगा तो मैं ये वाला भी लूँगी, मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है ये भी अच्छी चीज़ है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड ओकेश बट ऐसा कि हाँ खरीदने लायक है। एंड इट आई थिंक इसकी कॉस्ट प्राइस भी ऐसी कुछ है 80-90-100 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, ही मैंने डायरेक्ट मार्केट से जाके ख़रीदा था और बहुत टाइम हो गया उसको ख़रीदे हुए, तो मतलब 100 के अंदर में ही था ये। इसके नूडल चुई पॉइंट इज़ वेरी गुड, ब्रोथ इज़ वाओ एंड मज़ा आ रहा है इसको खाने में। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है जो चीज़ होनी चाहिए कि आपको खाने में मज़ा आए। इसका जो ब्रोथ है वो जैसे स्पाइसी नहीं है, गले पे नहीं लग रहा, माइल्ड है, मतलब जैसे होता है ना कि हल्की सॉफ्टनेस है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं क्या बोल रहे हो, कपड़े की बात कर रहे हो, अच्छा डिटर्जेंट की बात कर रहे हो। चलो आई एम हैप्पी आई ट्राइड दिस। इसका जो आफ्टर टेस्ट है वो काइंड ऑफ ऐसा है कि माइल्ड स्पाइस है और बाद में फिर थोड़ा हल्का सा मीठापन लगता है, मतलब आके टेस्ट बड्स पे ना ये बहुत देर तक सेटल नहीं हो रहा, मतलब ऐसा है कि हाँ खा लिया ख़त्म अब नया लेते हैं, हल्का हल्का। मीठापन है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा किमची के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो ये रही हमारी किमची एंड अब हम किमची के साथ ट्राई करके देखेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली जब घर में पड़ी हो तो क्यों ना ट्राई करें। पता मुझे लगता सारा खेल ना ब्रोथ का होता है, सारा खेल। देखो खरीदने की बात बोलूं मैं, इसको ट्राई करना है पक्का लेना। सूपी नूडल के बेस में अगर मैं इसको नौशम का कंपैरिजन करूं तो नौशम का नूडल सूप ज़्यादा बेटर है। एंड थोड़ा कम माइल में लेना है तो आप ये वाला ले सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा हाँ स्पाइसी पड़ जाता है, मतलब मेरे को स्पाइसी नहीं लगता बट हाँ जिनका स्पाइस टॉलरेंस थोड़ा कम है उनके लिए नौशम का नूडल सूप स्पाइसी पड़ जाता है, उनके लिए ये अच्छा है। तो किमची से बड़ा मज़ा आ रहा है, अलग सा खट्टा स्पाइसी किक मिल रहा है। आई एम ग्लैड कि मैंने इसको ट्राई करा ताकि मुझे पता चल गया एंड मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरह से। बेसिकली वही चीज़ जैसे मैंने बताया कि जिसको स्पाइसी, फिर से आई थिंक रिपीट ही कर रही होंगी कि जिसको, मैं भूल जा रही हूँ बीच बीच में खाते खाते, जिसको स्पाइसी नूडल सूप पसंद है उसके लिए, जिसको नौशम का स्पाइसी नूडल सूप बहुत अच्छा लगता है एंड वही स्पाइस टॉलरेंस है, उतना स्पाइस अच्छा लगता है उसके लिए वो अच्छा है, जिसको थोड़ा कम स्पाइसी खाना है उसके लिए ये अच्छा है बस। और कोई इतना एसेज में बहुत बिग डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है, दोनों का टेस्ट ग्रोथ सारी एकदम काइंड ऑफ सिमिलर है, बस वो थोड़ा ज़्यादा बेस में स्पाइसी है थोड़ा कम बेस में स्पाइसी है। मुझे मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इसको खाते हुए, किमची के साथ एडिशन में बहुत मस्त लग रही है, मतलब मेरे लिए ऐसे हो गया कि ओहो मेरे सारे टेस्ट बर्ड्स ना अभी नाच रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही आराम से इंजॉय करके बहुत अच्छी तरह से खाएंगे और हम आपको जल्दी ही अपने बहुत सारे नए नए वीडियोज़ में आपको जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, प्लीज़ वैक्सीन लगवा लीजिए एंड हम आपको जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ बताना ज़रूर कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और कोई और चीज़ें हों जो आप चाहें कि मैं उनको ट्राई करूँ और फिर उसका रिव्यू बताऊँ तो वो भी ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग लिखते हैं एंड मैं उनको ज़रूर नोट डाउन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती, सारे कमेंट्स देख लेती हूँ, उनके जितने भी ऐसे सजेशंस होते हैं ना कि आप ये ट्राई कर लो ये ट्राई कर लो, मैं ज़रूर उनको देखती हूँ एंड मैं उसका सर्च करती हूँ कि मुझे कहाँ से मिल सकेगा। तो आप भी अपना ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है जो कि मैं उसको शेयर कर सकूँ ट्राई करने के बाद, तो प्लीज़ कवर कर लेना। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।